मेरे साथ बोलिए भारत माता की। अरे भाई क्या हाथी वालों की आवाज को क्या हो गया है? सिरमौर जिले वाले ऐसे बोलेंगे क्या? देखो यहां से मोदी जी तक धन्यवाद की आवाज जानी चाहिए, जाएगी? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, रिवाज बदलने के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश को विकास की एक नई पहचान दी है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और सांसद श्री सुरेश कश्यप जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान सौदान सिंह जी, अविनाश राय खन्ना जी, संजय टंडन जी, कश्मीर के नेता और यहाँ के सहप्रभारी भाई देवेंद्र सिंह राणा जी, मंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार श्री सुखराम चौधरी जी, मेरे मित्र और विधायक श्री राजीव बिंदल जी, श्रीमती रीना कश्यप जी, विनय गुप्ता जी, बलदेव तोमर जी और आज इस स्थान पर आए हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को जय श्री राम। मित्रों आज, अरे हो गया आप सुनो यार, बोलो भारत माता की। बैठिए मित्रों, आज मैंने मोदी जी की रैली में जो आपका उत्साह देखा था वो टेलीविजन पर देखा था। मोदी जी वंदे भारत देने आए, हिमाचल वालों ने बड़ा उत्साह से स्वागत किया था, मगर वो उत्साह कैसा था उसका अनुभव नहीं था। आज मुझे सिरमौर वालों ने, हाटी वालों ने समझा दिया कि वो उत्साह कैसा था। मित्रों ये हमारा हिमाचल पूरे देश में, मैं तो गुजरात से आता हूं, पूरे देश में देवभूमि के नाम से जाना जाता है। देश भर की माताएं इसको वीर भूमि भी कहती है कि देश के लिए, देश की सुरक्षा को अंजाम देने वाली हमारी जो फौज है उसमें अनुपात में अगर किसी एक राज्य से सबसे ज्यादा फौजी जाते हैं तो मेरी हिमाचल की माताएं अपने बच्चों को दें। इसलिए इसको वीर भूमि भी कहते हैं। यहां पर मां चिंतनपूर्णी, मां ज्वालामुखी, मां चामुंडा, शीतला देवी, मां नैना देवी, ब्रजेश्वरी देवी, आशापुरा देवी, हिडम्बा देवी, बाबा बालकनाथ, अनेक प्रकार के देवी देवताओं का प्रत्यक्ष वास जहां पर है, ये देवभूमि को मैं प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत कर रहा हूं। यहां पर यही जिले में, यही पहाड़ियों में रेणुका जी का पवित्र झील, चूड़धार की चोटी, सिरगुण का देवताओं का मंदिर, भंगायणी माता का मंदिर, पावटा साहब का गुरुद्वारा और त्रिलोकपुर मंदिर जैसे विश्व प्रसिद्ध स्थान यहीं पर, यही पहाड़ियों पर है। और मित्रों सबसे पहले परमवीर चक्र देने का की श्री सोमनाथ शर्मा को देने का काम भी हमारे हिमाचल ने किया है। आज हिमाचल प्रदेश
मैं तो यहां आया था, जयराम भाई ने कहा सिरमौर वालों को, हाटी समुदाय वालों को मिलना है। साच अर्थ में मैं कहता हूं, जयराम भाई आए तब मुझे मालूम नहीं था कि आप लोगों के मन में इतना दर्द, इतना पीड़ा ये अन्याय के सामने पड़ा हुआ है। मित्रों, आज मैं आपको कहने आया हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने एक निर्णय करकर गिरिपाल क्षेत्र के हाटी समुदाय को 55 वर्ष के संघर्ष को एक झटके में समाप्त कर दिया। मोदी जी आपकी तकलीफ समझते हैं, क्योंकि सालों तक यह संगठन का काम किया है। वो हमेशा कहते हैं हिमाचल मेरा है, और बड़े भाव से, बड़े गर्व से कहते हैं हिमाचल मेरा है, क्योंकि हिमाचल वासियों से उनको लगाव है। मित्रों, यहां पर 154 ग्राम पंचायतों में हमने जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दिया, 389 गांव और 1,60,000 लोग यहां पर लाभान्वित होने वाले हैं। और सिर्फ आप लोग नहीं, आपने आपकी 25 पुश्तें भी इसका फायदा उठाने वाली हैं। तीनों प्रकार के आरक्षण, चाहे शिक्षा में हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सरकारी नौकरियों का, ये तीनों आरक्षण हाटी समुदाय को अब मिलने वाले हैं। इसकी मैं आपको लाख लाख बधाई दे रही हूं। ये जयराम भाई आपके मुख्यमंत्री पीछे पड़ने वाले आदमी, कम से कम 25 बार मेरा सर खा गए कि अमित भाई अन्याय हो रहा है। नक्शा लेकर आते थे, मुझे पहाड़ी बताते थे, आज आंखों से देख ली कि भाई इस पहाड़ी के इस ओर एक भाई ट्राइबल नहीं है और उस ओर एक भाई ट्राइबल है। बेटी यहां से वहां जाती है तो ट्राइबल बनता है भांजा, और मामा ट्राइबल नहीं होता है। ये किस प्रकार का अन्याय, और 55 साल से ये अन्याय चल रहा, कोई सरकारों ने नहीं सुना। जयराम भाई रिजोल्यूशन लेकर आए थे, तब हाथ में कागज देने के पहले भूमिका बनाए, बहुत कठिन काम है, करना ही पड़ेगा हमारे लोगों को। अरे मैंने बोला भैया काम तो बताओ, आप बोले ही जा रहे हो। फिर उन्होंने बताया हाथी समुदाय को जनजाति का दर्जा देना है। मित्रों, और मोदी जी की एक दृष्टि पड़ गई और आप सभी को जनजाति का दर्जा। हाथी समुदाय के सभी लोगों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन देना। अगर ये कांग्रेसी लोग जो है ना, उनको आग लगाए बगैर चैन नहीं है, सच है नहीं है? अरे भाई बोलो, सच है नहीं है? अब हाटी समुदाय को ट्राइबल का स्टेटस दे दिया, वो लगे दलित लोगों को उकसाने के लिए, हमारे अनुसूचित भाइयों बहनों को, कि आपका चला जाएगा। कोई डरने की जरूरत नहीं है, मैंने मेरी पेन से लिखकर सभी दलित समाज के लोगों को सुरक्षित किया। क्षेत्र के सारे अनुसूचित भाई जाति के भाइयों बहनों को मैं कहने आया हूं, ये कांग्रेस का काम झगड़ा लगाना है। आपका कोई अधिकार ना रिजर्वेशन का, ना एट्रोसिटी का, कोई कहीं नहीं जाने वाला। अनुसूचित जाति का जाएगा नहीं, और हाटी वालों को मिलेगा। भाई दोनों तरफ विजय है या नहीं है, बताओ भाई, है ना दोनों ओर? ये नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कांग्रेस आग लगाने का काम करती है, मोदी जी
विकास करने का काम करते हैं मित्रों, ये अंतर। मित्रों आज आजादी का अमृत महोत्सव है, वर्ष है, देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, हिमाचल का सुवर्ण जयंती मनाया जा रहा है। 50 साल हिमालय के हिमाचल के हो गए हैं और ये 50 साल के वर्ष में एक रिवाज बदलना है। मेरे हिमाचल के भाई जब भी मिलते हैं रिवाज 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 करते हैं। भाई कोई भी रिवाज पहली बार होगा होगा या नहीं हुआ होगा बताइए, कभी ना कोई रिवाज होता है, पहली बार तो हुआ होगा ना। आप इस पहाड़ी की दीवार पर लिख लीजिए अब एक नया रिवाज बनने जा रहा है, एक बार भाजपा बार बार भाजपा। जरा जोर से बोलिए क्या बनने जा रहा है, बार बार। और ये नई बात नहीं है, पहाड़ी की उस और भी एक रिवाज था उत्तराखंड में, वहां यही कांग्रेसी कहते थे इस चुनाव में कि रिवाज अब हमारी बारी है। अरे कोई रिवाज विवाद नहीं चला, 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और मैं आज कहकर जाता हूं, आज मैं कहकर जाता हूं, मैंने पूरे देश के कई चुनाव दिखे, माताओं भाइयों बहनों मेरे प्रिय युवा, मैंने हिमाचल के मिजाज को जाना है, यहां 2/3 बहुमत के साथ फिर से भारतीय जनता पार्टी। और मित्रों ये डबल इंजन सरकार जो है इसको हमने समझा है, देखा है, अनुभव किया है, इसके फायदे देखे। ये दिन लग गए, हरी टोपी और लाल टोपी, ऊपर का हिमाचल और नीचे का हिमाचल, कुछ नहीं है भाई, हरी टोपी भी भाजपा की है, लाल टोपी भी भाजपा की है, ऊपर भी भाजपा है, नीचे भी भाजपा है। कांग्रेसियों आप मेरी बात याद रखना, परिणाम के दिन दूरबीन लेकर ढूंढना पड़ेगा कौन सी जगह, क्योंकि हिमाचल की जनता ने हमारी 3-3 पीढ़ियों को, शांता जी और धूमल जी ने यहां पर विकास का राह प्रशस्त किया और उसको जयराम ठाकुर ने उससे भी तेज गति से आगे बढ़ाने का काम किया। इस बार ऊपर नरेंद्र मोदी सरकार है। मित्रों हर घर जल, मित्रों हर घर जल सबसे कठिन, अगर कहीं हर घर जल करना कठिन है तो अपने हिमाचल में। और हिमाचल में चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, वहां 100% नल से जल पहुंचाने का काम पहले ही समाप्त कर दिया है मित्रों। और रिवाज तोड़ दीजिए, हर माता के घर में नल से जल आएगा, शुद्ध पानी पहुंचाने का हम काम करेंगे। आयुष्मान भारत 5 लाख तक का खर्चा किसी को नहीं करना है, पूरा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। मित्रों कांग्रेसियों ने अपने घर का परिवार का भला करने का काम किया था, भारतीय जनता पार्टी ने, जयराम भाई ने जनता का भला करने का काम किया है, हिमाचल का भला। मित्रों मुझे एक बात बताइए, परिवारवाद से देश को मुक्ति देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? ऐसा नहीं भाई सुनाई नहीं पड़ता है, जोर से बोलो मुक्ति देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? अब मुझे बताओ कांग्रेस में कितने लोग परिवारवादी हैं? तो युवाओं मैं आपको पूछता हूं, आपके लिए कोई जगह बचेगी? बचेगी क्या? मित्रों
गांधी जी ने राजनीति में से परिवारवाद को समाप्त करने का काम मोदी जी ने। कांग्रेस पार्टी तुष्टिकरण की लालच में सालों तक हमारी विरासत का सम्मान नहीं कर पाई। अभी अभी आपने उज्जैनी में मोदी जी ने बाबा महाकाल का भव्य महालोक लोकार्पण किया, देखा या नहीं देखा भाई? जरा जोर से बोले, देखा या नहीं देखा? जरा पूछना कांग्रेस वालों को, 75 साल तक क्यों नहीं हुआ? केदार धाम बन गया, बद्री धाम बन गया, विंध्यवासी नहीं बन गया, और हमें कांग्रेसी ताने लगाते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। 550 साल से देश भर के करोड़ों श्रद्धालु देखने की इच्छा करते करते पीढ़ी दर पीढ़ी चले गए, स्वर्ग सिधार गए। राम जन्मभूमि का मंदिर देखने का किसी को सौभाग्य नहीं मिला। हिमाचल वालों ने चारों सीटें देकर मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने भव्य राम मंदिर उसी जगह पे बनाने की नींव डाली। काशी विश्वनाथ का मंदिर औरंगजेब तोड़कर गए थे, किसी ने इसका जीर्णोद्धार का काम नहीं किया। आज मेरी माता और बहनों को मैं कहना चाहता हूं, काशी धाम जाकर आइए, बाबा का दरबार देखकर मन को बड़ी शांति मिले, ऐसा कराइए। हमारी पूरी परंपराओं को मोदी जी ने आगे बढ़ाने का काम किया है। अटल जी इस देश की अर्थव्यवस्था को 11वें स्थान पर छोड़कर गए थे। 10 साल सोनिया मनमोहन की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, देश की अर्थव्यवस्था 11वें से 10वें नंबर पर नहीं आई। आपने 2 बार प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया। 8 साल में ही 11 नंबर से 5वें नंबर पर अपनी अर्थव्यवस्था को लाने का काम नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों माताओं, मुझे बताओ, कभी कोई मानता था कि धारा 370 इस देश में से चली जाएगी? कोई मानता था? कांग्रेस तो आज भी पूछना कांग्रेस वालों को, कुछ बोलेंगे नहीं, भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि जवाहरलाल जी डाल कर गए। भारतीय जनता पार्टी और पहले भारतीय जनसंघ हमेशा नारा लगाता था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। देश का एक इंच जमीन भी देश से अगर अलग होता है, थोड़ी की भी दुराई पर है, तो कोई देशभक्त सहन नहीं कर सकता। मित्रों 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने संविधान से धारा 370 को उखाड़ कर फेंक, और हमारा कश्मीर आज भारत माता का मुकुटमणि बनकर पूरे विश्व के सामने है। किसी ने नहीं सोचा असंभव जैसे काम, राम जन्मभूमि का निर्माण, धारा 370 और 35 से चले जाए, ये राजपथ के नाम को अंग्रेजों के समय से चला रहे थे। कौन राजा भाई? लोकतंत्र में कोई राजा होता है? होता है कोई राजा? राजों महाराजों का टाइम चला गया भाई, मेरी बात समझ रहे हो ना? राजे महाराजे रानी सबका टाइम चला गया, समझ में आता है? राजों महाराजों का टाइम चला गया है, ये तो लोकतंत्र है। मोदी जी ने राजपथ को कर्तव्य पथ में बदलने का काम कर दिया। मित्रों कर्तव्य पथ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कलकत्ते से लेकर जर्मनी तक -43 डिग्री टेम्परेचर में ये भारत माता का सपूत बीमार अवस्था में हजारों किलोमीटर
कभी एक गाड़ी में, कभी सबमरीन में, कभी रेलवे में जर्मनी पहुंचा, आजाद हिंद फौज की रचना करी और अंग्रेजों का हिस्से से एक बड़े हिस्से को आजाद कराया। इतने बड़े योगदान को ये परिवारवादी कांग्रेस एक्नोलेज नहीं करती थी, इसकी अनुमोदना नहीं करती थी। मोदी जी ने कर्तव्य पथ पर सुभाष बाबू की भव्य मूर्ति बनाकर आज उनको बड़ी श्रद्धांजलि देने का काम किया। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कांग्रेस के जमाने में हमले होते थे, सोनिया मनमोहन सरकार उसके सर पर जू नहीं रेंगती थी। उरी और पुलवामा में हमला किया, मोदी जी ने घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर हिसाब किताब चुकते भारत को सुरक्षा देने का काम मोदी जी ने किया है। मित्रों, यहां पर सिरमौर जिले के मुख्यालय नाहन में मेडिकल कॉलेज खोला गया। अपनी नाहन नगर परिषद कोलकाता के बाद देश में नगर परिषद बनने वाला दूसरा नगर परिषद है। आज वहां पर एक मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। इसी जिले में 15 अस्पतालों को आयुष्मान भारत और हिम केयर के लिए रजिस्टर किया गया। इसी जिले में 5,800 छात्रों को छात्रवृत्ति दे दी गई और कई सारे विकास के काम हुए। मित्रों, मोदी जी अभी आए थे, हजारों करोड़ रुपए का लोकार्पण हुआ। ऊना में फार्मा प्रांत, नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का तीसरा चरण कर हिमाचल के हर गांव को कनेक्टिविटी देने का काम किया। मित्रों, बल्क ड्रग फार्मा पार्क में 10,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश आएगा, 20,000 लोगों को नौकरी मिलने वाली है। अटल टनल रोहतांग का भी मोदी जी ने ही काम पूरा किया, इससे पर्यटन को नए आयाम मिलने वाले हैं। मटोर पठानकोट फोर लेन भी अब जल्दी होने वाला है। मानसून के नुकसान के लिए भी ये जयराम भाई मुझसे झगड़ा कर 392 करोड़ रुपया यहाँ हिमाचल के लिए छोड़ते ही नहीं, पीछे पड़े रहते हैं। मगर मोदी जी का भी दिल बड़ा है कि मेरे हिमाचल में जा रहा है भाई, दे दो। और इस प्रकार से अनेक हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट हुए। लगभग 7 जिलों के 28 विकास खंडों में 15,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। मित्रों, हिमाचल के विकास के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ऊपर मोदी जी की सरकार है, नीचे जयराम ठाकुर की सरकार है। एक डबल इंजन सरकार जो है ना, ये हिमाचल को छोटे राज्यों में सबसे विकसित प्रदेश बनाने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ। और हाकी समाज के भाइयों बहनों को 55 साल के बाद आज मोदी जी ने न्याय देने का काम किया। बिलासपुर में एम्स देने का काम किया, वंदे भारत की ट्रेन देने का काम किया, रेणुका जी बंद परियोजना को भी देने का काम किया। ढेर सारे विकास के काम हिमाचल को देकर हिमाचल को आगे बढ़ने देने का संकल्प मोदी जी और जयराम ठाकुर ने लिया। माताओं, भाइयों, बहनों, आज मैं यहाँ आया हूँ, एक तो आपके दर्शन करने थे और दूसरा अपील करने आया हूँ। इस बार सिरमौर जिला आधा अधूरा कुछ नहीं करेगा, आधा नहीं चाहिए भाई। कितनी सीटें हैं जोर से बोलो जरा, कितनी है? सभी की सभी किसको जीतना है? पांचों कमल मोदी जी की झोली में डालिए और हिमाचल को आगे। मुझे बताइए, ये युवा जरा बड़े आवाज से बताइए, भारतीय जनता पार्टी को झुकाओगे? सभी लोग बोलो भाई, भारतीय जनता पार्टी को झुकाओगे? फिर से भाजपा सरकार बनाओगे? जयराम भाई के
हाथ मजबूत करोगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, रिवाज तोड़ने के संकल्प की मुट्ठी दीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। राम राम। हम पूरे सिरमौर की जनता का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं और हम सब की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं भारतवर्ष के लौह पुरुष माननीय गृह मंत्री अमित शाह।